मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसीलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। कई लोगों ने कई कई सारी बातें बताई, पर मुझे टू द पॉइंट कि 67,580 किलोमीटर के अंदर जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट हम रेलवे बजट जो प्रस्तुत किया, इसके साथ माननीय पीयूष गोयल जी ने जिस तरह 7 वर्षों के अंदर हम लोगों ने जो काम किया है, वो काम मुझे आपको बताना है। आज जिस तरह कोरोना की महामारी जो चल रही है, उसके तहत जहां जहां जिसकी जरूरत, काफी लोग बता रहे थे कि कोरोना की महामारी ने अंदर ट्रेनें नहीं चली थी, पर मैं उनको कहना और बताना चाहता हूं कि उस वक्त जो श्रमिक थे उनको गांव घर घर पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। उसके साथ साथ कहीं फल पहुंचाना है, कहीं सब्जियां पहुंचानी है, कहीं दूध पहुंचाना है, वो काम ये रेलवे के माध्यम से होता था। इसके साथ साथ करीब करीब 2.5 करोड़ लोग, कहीं देशों की जनगणना भी इतनी नहीं होती, इतने लोग हमारे देश के अंदर ट्रेन के अंदर मुसाफरी करते हैं। वो लोगों को पहुंचाने का काम कोई करता है तो वो रेल मंत्रालय हमारा करता है। आज मैं बताना चाहूंगा कि 13-14 का जो पिछली सरकार का जो बजट था वो कितना था, 61,000 करोड़ था, और आज उसके बाद का देखिए आप, 14-15 के बाद 18-19-20-21-20 का और 21 और 22 का 2,15,00,000 रुपया, इतना बजट किसी ने नहीं दिया। और ये बजट किस लिए, कई लोग, मैं सुन रहा था हमारे वरिष्ठ एक नागरिक, हमारे सांसद भी थे गुजरात से, वो रेल मंत्री भी स्टेट के रह चुके हैं, काफी सारी लेन गिनाई भी उन्होंने, ये रेल वो रेल, पर मैं उनको, वो यहां से नहीं है, जब उन्होंने वो जब रेल के मंत्री थे, ना कम्युनिकेशन था ना साथ बैठने का। आज देखिए आप, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी, माननीय पीयूष गोयल जी साथ मिलके किस तरह देश को बड़ा करना है, किस तरह आगे ले जाना है, जिस तरह मैं उसको तथ्य के साथ रखूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह रायबरेली के अंदर जो 2012 के अंदर वहां पे एक भी कोच नहीं बनता था। 2014 के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद पहला कोच बना रायबरेली के अंदर, वो सरकार की फैक्ट्री थी, सरकार के मान्य से चल रही थी। उसके बाद 15-16 के अंदर वो जो फैक्ट्री जो थी, मैं आज तथ्यों के साथ रखूंगा कि जो 15-16 के अंदर जब चालू किया तब 140 कोच उस टाइम बने हुए थे। उसके बाद 15-16 के अंदर 285 कोच बने, उसके बाद 16-17 में 576 कोच बने। आप देखिए कि जहां एक भी कोच नहीं बनता था, खाली वहां पे चेन्नई या कहीं और से कोच आते थे, कलर वगैरह होते थे और भेज दिया जाते थे। इसके बाद 17-18 में करीब 711 कोच बने। उसके बाद माननीय पीयूष गोयल जी के माध्यम से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब रायबरेली के अंदर गए और वहां पे जो कर्मचारी गण थे, जो ये कोच बनाते थे, उनके साथ विचार विमर्श के बाद उनको इतना मोटिवेट किया,
तो आप मान नहीं सकोगे कि 18-19 के अंदर करीब करीब ऑलमोस्ट 1425 कोच बनाए गए। ये कोच पहले कितने थे, पहले एक भी बनता नहीं था, जो 17-18 में 711 था ऑलमोस्ट डबल हो गया। आप देखिए कि इस तरह का जो काम सरकार कर रही है, और सरकार को जो मोटिवेशन करना चाहिए उसके बगैर आप उसकी मानते हैं, आप ऑपोजिशन में है, आपको बोलना पड़ता है, पर जो अच्छी बात है वो भी बतानी पड़ती है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि जब 2021 का जो था उस टाइम मान्य, जिस तरह ये चेन्नई के अंदर भी 1604 कोच थे, उसके बाद जो हुए वो करीब करीब 4238 कोच बनाए गए। तो ये पूरे जो हमारे कर्मचारी गण हैं वो पूरा अपना दिल दे के काम करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना की महामारी के अंदर हमको आज हम बता रहे हैं, काम करते हैं, ट्रेन चलाते हैं तो बोलते हैं कि सुविधा नहीं है, सुविधा देना चाहते हैं तो बताते हैं कि इसके अंदर कोरोना अभी आ जाएगा। अभी मेरे एक वरिष्ठ बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे आप इतना किराया ले रहे हो, इतना दे रहे हो, फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटी के बिना आपको अपनी फैसिलिटी चाहिए फिर पैसा नहीं देना। उसके साथ साथ मैं इनको ये भी बताना चाहूँगा कि ये उनका उस जमाने के, मैं आप उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने उस टाइम बताया था 2003-04 के अंदर, उस टाइम के जो एक मंत्री थे उन्होंने, ये चाहे रेलवे की निजीकरण की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, और रोड का, आज हम जो रोड टैक्स दे रहे हैं वो क्या है, आज हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, हमारे माननीय पीयूष जी ने जो बताया उसको फैसिलिटी के लिए दे रहे हैं। आप लोगों को फैसिलिटी चाहिए तो फैसिलिटी के लिए पैसा देना पड़ता है। हम बाहर जाते हैं तो बाहर की बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यहाँ पे ट्रेन अच्छी नहीं है तो शिकायत करते रहते हैं, हमको वहाँ पे ट्रेन जहाँ घूमते जाते रहते हैं, आज देखिए पर्यटक का कहीं भी जाना आना जा रहता है तो ट्रेन अच्छी नहीं होती तो आप शिकायत करते रहते हैं, टाइम पे नहीं पहुँचती तो शिकायत करते रहते हैं। तो हमको साथ मिलके चलना है, साथ लेके देश को आगे निकलना है। इसके साथ साथ आप देखिए कि प्लेटफॉर्म जो था पहले के जमाने में पूरा गंदा, जो नुकसान करा हुआ, नहीं बैठने की जगह, नहीं कहा हुआ रुकने की जगह, वो आए तो आए बाकी चल बैठो ट्रेन में और भागो, उसी तरह का। उसके साथ साथ शौचालय की बात बहुत अच्छी बताई, कोई बता रहा था कि शौचालय का जिस तरह प्लेटफॉर्म के आसपास या उसके आसपास जो गंदा रहता था वो कब क्लीन हुआ, कब स्वच्छ हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान चलाया, उसके अंदर पूरे राष्ट्र के अंदर, मैं किसी पार्टी का या किसी सभा का व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, हर एक जगह, उसमें सामने हो या इधर हो, सभी ने सहयोग किया, और जहां जहां जिसको जो लगा कि भाई यहाँ पे सफाई नहीं है तो सफाई का चाहिए, किसी एक्सीलेटर नहीं थी तो एक्सीलेटर की बात की, किसी जगह लिफ्ट नहीं थी तो लिफ्ट की बात की, सब जगह पे हम सब लोगों ने साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। हमको उसके अंदर न खोमियां निकालनी है, न इसको अंदर हमको पीछे ले जाना है, हमको आगे ले जाना है। किस तरह देश को हम आगे ले जा सके उसके बारे में सोचना है। हाँ, अगर कमियां हो सकती है, जो कोई काम करता है तो कमियां रहती है। कंक्लूड करिए। मैं मेरी एक लास्ट लाइन कर बात करके खत्म करूंगा सर, कि जिस तरह हमारे जो गुजरात के जो बता रहे थे, मैं उनके लिए कोट करूंगा, क्योंकि जो यहां से जो मैसेज जाता है उनको लगता है कि यहाँ के हमारे वहां के गुजरात के कई लोग देख रहे हैं, देखते भी होंगे, मैं मना भी नहीं करता हूं, पर उनको सच्चाई बोलनी चाहिए। उस जमाने में जब आप मंत्री थे तब आप जा भी नहीं जा पाते थे, आपका कोई बात भी नहीं सुनता था। आज जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, और गरीबों का जो जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, हर हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद, आभार, वंदे मातरम।